नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला था, प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का शेयर है वो है बलरामपुर चीनी। पिछले लास्ट वीक से मैं शुगर सेक्टर को लेकर बहुत ही बुलिश हूँ और मैंने 2-3 कॉलें दी हैं, वो मेरी हिट गई हैं। जैसे प्राज इंडस्ट्री की मैंने कॉल दिया था, उसमें भी आप मेरे तरह टारगेट अचीव हो गए सारे। और मेरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग में दिया था मैंने, उसमें भी मेरे सारे टारगेट हिट हो गए। अब मेरा तीसरा जो शेयर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यानी मेरे रिडार पर आया है। अभी मैं मार्केट चेक कर रहा था, मैंने देखा तो बलरामपुर चीनी मेरे को लगता है कि अब यहाँ से हाईली अप ट्रेंड की तरफ भागने को तैयार है। बलरामपुर चीनी में और भी अप मूव आने को बाकी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बलरामपुर चीनी अभी 340 से लेकर 350 के, 350 से लेकर 340 से लेकर 350 के बीच में मिलता है, तो आप डेफिनेट इसमें बाय करिए। इसका देखिए, फ्राइडे को ये 347 रुपये में बंद हुआ है, 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ये 357 इसका हाई है, 52 वीक हाई है। ये डेफिनेटली इस वीक के अंदर तोड़ देगा ये, अगर मार्केट का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि गवर्नमेंट एथेनॉल को लेके इतना बुलिश है और बलरामपुर चीनी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि देखा होगा कि जिस तरह से क्राइसिस आया है, शुगर को लेकर क्राइसिस आ गया, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ गई है शुगर की, तो बलरामपुर चीनी का अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ होगा और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर इसके प्रॉफिटेबल आएगा। ये प्रॉफिट अर्न किया होगा इस क्वार्टर इस कंपनी ने। जैसे इसके क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो प्रॉफिट मेकिंग होगी, तो डेफिनेटली इसमें अच्छे ही अप मूव मिलेंगे। तो चलिए इसके चार्ट पे देख लेते हैं, क्या चार्ट इसके बोल रहे हैं, क्या इसमें ब्रेकआउट देने को तैयार है चार्ट, कितना ट्रेंड की तरफ भागेगा ये। चलिए दोस्तों, मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसका वीकली चार्ट और बलरामपुर चीनी का चार्ट ओपन कर, मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली चार्ट पे ये इसका MACD अप ट्रेंड की तरफ है, RSI थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के, मगर ये एवरेज में ट्रेड कर रहा है। RSI भी अप ट्रेंड की तरफ भागे। ये देखिए सर दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस करता 308 के बाद इसके ऊपर अप ट्रेंड का मूव है, और देखिए इस कैंडल से सपोर्ट लेता है ये, और देखिए यहाँ तक डाउन 347 तक लो मारता है, इसके ऊपर अभी अप ट्रेंड की तरफ भागेगा। ये मंडे को डेफिनेटली अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, अगर डाउन आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रॉफिट बुकिंग होगी इसके अंदर, और इसके अंदर बाइंग करिए आप। 340 तक ये आपको मिलता है, डेफिनेटली इसमें बाय करिए, और आने वाले समय में इसमें 357 के इसका पहला जो मेरा टारगेट है, पहला टारगेट है इसका 360 रुपये का, दूसरा टारगेट मेरा 380 रुपये का, और तीसरा टारगेट है मेरा 400 रुपये का। ये आने वाले 2 महीने के अंदर 400 तक का ट्रेड ये है इस कंपनी का, इस शेयर के अंदर ही। देखिए वीकली चार्ट पे देखता दिखाता हूँ मैं आपको, क्यों मैं इतना बुलिश होकर बोल रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से ये अब ट्रेंड की तरफ भाग रहा है। ये रेलगाड़ी चल चुकी है, चार्ट बहुत ही टेक्निकल मूव की तरफ भाग चुका है। ये देखिए कितना डिफरेंस है इसके बीच में, एवरेज मूविंग के बीच में, तो ये 200 तोड़ेगा नहीं है। ये देखिए इसका MACD, RSI बहुत ही बुलिश ट्रेंड है इसमें। आप डेफिनेटली, ये कहते हैं ना कि चलते ट्रेड को पकड़ना है, तो ऐसे ही दौड़ते हुए को पकड़ना होता है, उसमें ट्रेड करना होता है, उसमें प्रॉफिट बुक करना होता है, फिर अपना प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाना चाहिए। आप इसमें 340 तक का लेवल में आप बाय करिए, इसमें आपको डेफिनेटली जितनी गिरावट होगी उसमें आप बाय करिए। आपको पहला टारगेट मैं डैम श्योर बोला हूँ कि इसमें 360 रुपये का पहला टारगेट आएगा, इसके इतना 52 वीक हाई तोड़ेगा, दूसरा इसका 380 रुपये आएगा, और तीसरा टारगेट इसका 400 रुपये का आएगा। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं टिकट टिप के साइड पर क्या बोल रहे हैं। देखिए टिकट टाइप के साइड पर 100% एनालाइजर बोल रहे हैं हमें बाय करने के लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट दे रही है, थोड़ा कर्जे से बाहर आएगी, क्योंकि जिस तरह से चीनी की डिमांड बढ़ी है, जिस तरह से अपने इसने प्रोडक्शन किया होगा, इसने डिमांड की पूर्ति करी होगी, और गवर्नमेंट एथेनॉल को लेकर डिमांड एथेनॉल को लेकर सीरियस है, थर्ड फील की तैयारी करी है एथेनॉल को लेकर। अभी जैसे गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन लेती है, इसमें और भी अप ट्रेंड मिलेंगे आपको। ये इस वीक के अंदर शायद 360 भी पहुँचा, कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लिया तो बलरामपुर चुनी आपको 360 का मिलेगा इस वीक के अंदर। तो बेसिकली आप इसमें बाय करिए, होल्ड करिए, और पेशेंस के साथ अपने पैसों को ग्रो करिए। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।